ये अंडे धूप में 4 से 5 दिन सूख गए हैं, क्योंकि धूप तो प्रॉपर निकली नहीं थी, तो ये 4 से 5 दिन सुखाए। ठीक है, ये चल रही इसकी अंडों की पिसाई। और इसका नेक्स्ट प्रोसेस है ये पिस पिस के अभी हम जमा कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल बारीक पाउडर तो इनका बनेगा नहीं, उसके लिए हम अपनी जादुई मिक्सी का इस्तेमाल करेंगे, जो घर में यूज़ होती है उसी मिक्सी में इसको हम पीस लेंगे। ठीक है, अभी हम इतना बारीक पीस रहे हैं, जो ये कम हो जाए, जैसे इतना सारा है ना, तो ये हम पीसेंगे तो इतना रह जाएगा। ये देख लो, ये एक पन्नी में आ जाएगा 2-2.5 किलो की, वरना वैसे तो काफ़ी सारा हो रहा था। भाई सबसे पहले आपको डालनी है लौंग, ये डालनी है आपको 20 ग्राम। ये हो गया, देख लो लौंग, और देख लो कितनी बढ़िया क्वालिटी में, बहुत बढ़िया है लौंग। ठीक है, 20 ग्राम आपको लौंग लेनी है और इसका पीस के पाउडर बनाना है। भाई 20 ग्राम लौंग डालने के बाद इसमें 20 ग्राम ही काली मिर्च डालनी है। ये भाई देख लो, 20 ग्राम काली मिर्च हो गई है, और इसका पीस के अब दोनों का मिला के पाउडर बनाना है अच्छे तरीके से। ठीक है, बिल्कुल बारीक पाउडर बनाना है इनका। दोस्तों ये देख लो, ये बिल्कुल मसाला बारीक पिस गया है। ठीक है, आपको बिल्कुल पाउडर बनाना है इसको, जितना बारीक हो सके बिल्कुल बारीक पाउडर बनाना है। ये देख लो बिल्कुल बारीक पाउडर बनाना है। ये लगा हुआ है लड़का पीसने में। दोस्तों काली मिर्च और लौंग पीसने के बाद आपको ये सेंधा नमक लेना है। ठीक है, काला नमक भी कहते हैं, सेंधा नमक भी कहते हैं। ये मैंने 2 चम्मच निकाल लिया। ठीक है, 2 चम्मच इसमें डाल लेंगे हम। 2 चम्मच डालने के बाद ये मैंने 2 चम्मच हल्दी ले ली है, ये हल्दी भी हम इसमें डाल लेंगे। अब इसमें हमारा डल चुका है काला नमक, हल्दी, लौंग और काली मिर्च। ठीक है, 4 चीज़ हो चुकी है हमारी इसमें। अभी और भी सामान है, वो मैं आगे आपको बता दूंगा। ये मेरी 4 चीज़ें इसमें टोटल मिल चुका है, और इसे मैं अच्छे तरीके से, ये सारा सामान आपको ठीक तरीके से मिला लेना है। ठीक है, ये हमने अंडे का जो छिलका पीसा था ना, ये सारा हमने छिलका डाल लिया, बिल्कुल पाउडर बना लिया था हमने ये पीस पीस के। बिल्कुल धुआं उड़ रहा है, देख लो इतना पीस के पाउडर बना लिया हमने। और यही जो हमने ये पीसा था, जो 4 चीज़ें मिलाई हैं अभी, ये भी इसी में मिला लेंगे हम। ठीक है, सारा ये देख लो, सारा मिला लेंगे। ये दोस्तों फिर लेना है आपको ईंट के टूटे हुए चूरा लेना है। ठीक है, ये ईंट का चूरा लेना है, और ये चूरा पता कहाँ मिलता है आपको, जहाँ भी ईंटें रखी हुई होती ना बहुत सारी, वहीं पर ये चूरा मिल जाता है। मैंने पिछली वीडियो डाली थी उसमें इसको बता दिया था आपको कहाँ मिलता है, मगर मैं दोबारा बता रहा हूँ, जहाँ पे ईंटें रखी होती ना बहुत सारी, ये चूरा सारा वहीं पर मिलता है। उससे ईंटों से झड़ झड़ के चूरा निकल के तैयार हो जाता है, नीचे गिर जाता है। आपको ये वही इकट्ठा करना है और ला के इसको छानना है आपको। ठीक है, अब इस ईंट के चूरे को छान लेंगे हम। ठीक है, छानने के लिए आप जाली का इस्तेमाल भी कर सकते हो, जो मच्छर जाली होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, आटे की छलनी, कोई भी छलनी से, मतलब इसको छान लो, जो भी ये मोटा मोटा है ना इसमें, ये सारा निकल जाए, और जितने की हमें ज़रूरत है वो छन के नीचे गिर जाए। ये देख लो,
तो ये पिछला जो हमारी मिट्टी बची हुई थी उसका मसाला है, ये भी हमने इसी में डाल लिया और मिला लिया। और इसको डालने के बाद पता है हमें कितना लेना है, ये हमें जो ये सामान मिलाया था ये इतना लेना है, ठीक है। जैसे चावल खाते हैं ना, एक दो और तीन, जिस तरीके से हम चावल खाते हैं ना उतना ही लेना है, और तीन वो लेके डाल लेना। अब मिट्टी में बताया था कितनी थी ये जो पुरानी थी इसको तो छोड़ो, जो नई हमने छानी थी ना ये थी करीब करीब एक से डेढ़, एक से एक किलो या 1200 के आसपास ग्राम। ये देख लो, अब मिला लिया हमने, मिट्टी तैयार है हमारी ये। अब ये कबूतर को दोगे तो इससे, वैसे तो हमारे यहाँ दिसंबर चल रहा है और अभी तक ठंड नहीं पड़ी है, टेम्परेचर भी ठीक ठाक है, और आपके यहाँ अगर ठंड पड़ रही है तो ठंड के लिए मिट्टी है ये, आपको ये ठंड में देनी है कबूतर को, इससे कबूतर का हाजमा ठीक रहेगा और कबूतर को ठंड नहीं लगेगी, ठीक है। इन चीज़ों का इस्तेमाल करें और मिट्टी बना के एक बार ज़रूर ट्राई करें और बताना कमेंट करके आपको इसका रिजल्ट कैसा मिला। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ दोस्तों, ये जो बनाया है ना हमने एक्स्ट्रा, इसको हम डब्बे में संभाल कर रख लेंगे, जब मिट्टी ख़त्म हो जाएगी उतना ही मिट्टी में मिला के आगे भी काम आएगा यही।